रानू मंडल जो अपने गाने एक प्यार का नगमा है की वजह से फेमस हो गई थी, अब हिमेश रेशमिया के गाने तेरी ही मेरी ही की वजह से और भी ज़्यादा फेमस हो गई हैं। जहां पहले इनकी आवाज़ को पहले 5 से 10 लोग सुनते थे, वहीं अब ये अपनी आवाज़ कई हज़ार लोगों को सुनाएंगी। वहीं अब इन्हें फटे पुराने कपड़े भी नहीं पहनने होंगे, क्योंकि इनके पहले गाने के लिए हिमेश ने इन्हें 6 से 7 लाख रुपये दिए थे, जिसकी वजह से अब वो नए कपड़े पहन सकेंगी, साथ ही साथ अच्छा खाना भी खा सकेंगी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनकी असली कामयाबी उनकी आवाज़ की वजह से नहीं है, बल्कि उन्होंने जो गाना गाया है उसने दिलाई है। पश्चिम बंगाल के एक रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर गुजारा करने वाली रानू मंडल अब न सिर्फ सोशल मीडिया स्टार बन चुकी हैं, बल्कि वे बॉलीवुड में भी एंट्री ले चुकी हैं। रानू मंडल ने म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया के लिए गाना भी गा लिया है, और साथ ही साथ खबर आ रही है कि हिमेश रेशमिया के लिए गाना गाने के लिए उन्हें लगभग 6 से 7 लाख रुपए भी मिले हैं। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इतना तय है कि संघर्ष भरा जीवन जीने वाली रानू मंडल की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन इसे लेकर बॉलीवुड से रिएक्शन आने अभी बंद नहीं हुए हैं। गीतकार मनोज मुंतशिर ने ट्वीट के जरिए रानू मंडल के स्टार बनने की तारीफ की, और साथ ही साथ गीत का संतोष आनंद की शुद्ध यानी याद करने के लिए भी कहा है। मनोज का मानना है कि रानू मंडल ने संतोष आनंद के लिखे गाने जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है के जरिए ही लोकप्रियता हासिल की है। मनोज मुंतशिर ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि रानू मंडल जी संतोष आनंद जी का लिखा हुआ गीत जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है गाकर रातों रात सोशल मीडिया स्टार बन गई हैं। लेकिन क्या कोई चैनल, कोई म्यूजिक डायरेक्टर, कोई सेंटा क्लॉज, कोई रॉबिन हुड संतोष आनंद जी की खबर लेगा? देखते हैं। मनोज मुंतशिर की बातों से साफ साफ झलक रहा है कि उन्हें आवाज की कद्र नहीं है, बल्कि जिसने गाना लिखा है उसकी कद्र है। जरा सोचिए, ये गाना हम में से कोई भी गाए तो क्या ये तब भी अच्छा लगेगा? पर तब भी मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या मनोज मुंतशिर ने सही कहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज़ को करें सब्सक्राइब, ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद।